क्योंकि होनी का ग्रेनेड गया था, रिवॉल्ड होकर बाहर जरूर गया, बट एक वुडन चेक एकमात्र कवर है। चक्शन इज द लास्ट मैन स्टार्टिंग बिकॉज विंटर को रिवाइव मिलना ऑलमोस्ट और यू कैन से इम्पॉसिबल ही है यहां से। बट एक मॉलेटो फेंका था, D2 के बहुत ज्यादा क्लोज है, बट D2 ही फिनिश करेंगे। अब RRQ का स्क्वाड वर्सेस ऑरेंज रॉक देख रहे हो, बट स्काउट ने यहां पे स्पॉट कर लिया D2 का। अगर लेफ्ट साइड में ADS और थोड़ा जाता तो नॉकडाउन होता नजर आ सकते थे, बिकॉज मात्र एक बुलेट ही बची थी वहां पे, अगर कनेक्ट होती तो D2 नॉकडाउन हो जाते। बट मल्टीपल ग्रेनेड्स ऑफ द मैन विद द गोल्डन हैंड ऑरेंज रॉक के मावी के द्वारा, क्या वो कनेक्ट होंगे? बिकॉज ये प्रॉपर 4v4 की फाइट है, ऑरेंज रॉक वर्सेस RRQ। D2 ही गेट्स नॉक डाउन बाय ऑरेंज रॉक गिल, ग्रेनेड सामने से भी आ रहे और ने भी मल्टीपल ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, बट स्काउट पिक्स अप वन मोर, बट ऑरेंज रॉक के गिल नॉक डाउन हो जाएंगे। BR11 के ग्रेनेड के द्वारा क्या स्काउट ये वाली फाइट कर सकते हैं? वीरू एक और नॉक डाउन करके BR11 को, ऑरेंज रॉक इज क्लोज टू अ चिकन डिनर। ऑरेंज रॉक वीरू वर्सेस अर्नी, ये फाइट अब 1v1 के आ चुके हैं। अर्नी क्या ये वाले किल कंफर्म कर सकते हैं पहले, बिकॉज उनको किल्स चाहिए। ऑरेंज रॉक के वीरू ही इज बेली सर्वाइविंग ऑन दैट 50% HP, सेम गोज फॉर RRQ अर्नी आल्सो। एक इंटेंस फाइट है, वीरू बाहर गए ग्रेनेड फेंकने के लिए, डैमेज जरूर पड़ा है, बट ये फाइट RRQ के अर्नी निकाल के जाएंगे। ऑरेंज रॉक के वीरू